हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं शुभजीत और विष्णु जिनका आईसर कोलकाता में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। शुभजीत का ये पहला सिलेक्शन है पीएचडी प्रोग्राम में और इनका और भी जगह एग्जाम दिए थे बट किसी कारणवश इनका नहीं हो पाया। बट ये बहुत ही अच्छे और बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं और विष्णु को आप लोग जानते ही हैं, इनका अभी तक सिलेक्शन हो चुका है। तो पहले तो शुभजीत और अटनू, शुभजीत आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई थैंक ये एग्जाम के यू लिए। सर, कैसा लग रहा है थैंक यू इसमें? सर। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो आइजर कोलकाता और घर के पास वो जो खड़गपुर है उसको ही चाहता था, मिल गया, बहुत अच्छा लग गुड। तो रहा ऐसा क्यों, घर के पास क्यों? ज्यादातर स्टूडेंट लोग को देखते हैं कि सब घर के ही पास रहना चाहते हैं, रीजन क्या है, बाहर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? है। इसे बाहर तो जाना चाहता हूँ, मगर घर के पास होता तो थोड़ा अच्छा होता, छुट्टी में घर आ जा सकता हूँ। हाँ, थोड़ा और माँ बाप को भी देख लिए है ना। हाँ सर, ऐसा तो है। और बाहर जाके अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 1-2 साल अगर गैप पड़ गया उस तो उसके लिए तो जी। सर, हाँ मतलब मेरा सर, हाँ सर, मेरा सर 1-2 सीनियर्स है, उनका ऐसा हुआ है, इसके लिए सर मैंने क्या हुआ अवॉइड है, जैसे करना चाहता हूँ। क्या हुआ है आपके सीनियर लोग का? उनका सर मिल गया था अच्छे इंस्टीट्यूट पर, मगर उनका उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एडमिशन कैंसिल कर दिया। एक दो सीनियर ने ऐसा हुआ। मतलब रीजन कैंसिल करने का कुछ हेल्थ इशू था। हाँ, हेल्थ इशू और वो जो, हाँ ऐसा ही हेल्थ गुड है, इशू। अब तो आप खुश हैं, आप दोनों चाह हाँ रहे सर, थे जो वो आपको मिला। हाँ सर, घर के पास है, 2 घंटा, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का डिस्टेंस है मेरे घर से। वहाँ तो आप घर से अप डाउन नहीं करेंगे ना, वहाँ हॉस्टल में रहेंगे ना प्रॉपर? पर हॉस्टल में ही रहूंगा, ये नहीं पता, नहीं हॉस्टल सर, में। मैं तो 2 घंटे दूर है, मैं सुबह ट्रेन से जाऊंगा, शाम को ट्रेन से नहीं, वापस। नहीं 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 सर, ऐसा उतना भी पास नहीं है, मगर पास ही है। हाँ, आप हैं एक रोहित था, अभी देखे थे इसका आंसर मोहाली हुआ था, वो भी कहीं नहीं गया था देने के लिए इंटरव्यू, कहीं नहीं गया नहीं सर, था मैं वो। गया था बट यही मैं चाहता था। हाँ, वो तो कहीं गया ही नहीं, बस दो ही जगह दिया, रोपड़ और जो पंजाब में था, वो पंजाब से लड़का था, बोला सर मुझे यहीं रहना है, पंजाब में जो जो था वहीं दिया और मेहनत अच्छा था उसका, हो गया। बट एनी वे, बट मैं सर, सबको सजेस्ट करता हूँ, थोड़ा जाना चाहिए, अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ क्या कल्चर है, कैसा पढ़ाई होता है, क्या किस तरीके के लोग हैं, थोड़ा एक इंडिया दिखता है कि कैसा है हमारा इंडिया है, राइट? बट एनी वे, सबका अपना अपना चॉइस है। तो अरटनू, तुमको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, तुम भी चाहता था घर के हाँ आसपास मिले, शायद ये तुम्हारा पहला घर के आसपास का सिलेक्शन है, राइट, तुम्हारे होम टाउन में। सर, हेलो, ठीक है, बट जो लोग जानते होंगे। घर का हाँ, पहला मतलब खड़गपुर में गया था, वहां पर से नहीं हुआ तो यही अच्छा घर के खड़े, पास। अच्छा यही हुआ, चलो बहुत बढ़िया। तो जैसे अटनू के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनका सिलेक्शन हो चुका है टिया फॉर मुंबई, आईसी बैंगलोर में और भी जगहों पे। तो पहले तो अब ये जहां जाए इनका चॉइस है, बट जो सबसे इंटरेस्टिंग, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, शुभजीत का है, क्योंकि तो ये इनका मैथ बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रिपेयर किया था, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया था, बट कुछ कुछ जगहों जहां मुझे बहुत उम्मीद थी इनका सिलेक्शन होने का, वहां पे इनका नहीं हो पाया, पता नहीं क्या फैक्टर था, जैसे एक आईआईसी बैंगलोर था। क्या लगता है शुभजीत, आईआईसी बैंगलोर में आपका नहीं होने का या जो भी रीजन है, एकदम फ्रेंकली बताओ, क्या लगता है? हाँ सर, वैसे इंस्टीट्यूट तो बहुत ही अच्छा था, मगर मेरा जो इंटरव्यू डेट था मेरा सर, वो जो जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन एकदम लास्ट में इंटरव्यू था, वो जो मैं सुबह से बैठा था, मेरे पहले टोटल 20-25 बच्चे का इंटरव्यू हुआ था, 15-20 हुआ था। और मैं 1 और 2 बजे दोपहर में गया था, उसके बाद मेरा इंटरव्यू 6 बजे स्टार्ट हुआ था, और मैं डिपार्टमेंट पे सिर्फ अकेला था, और टीचर भी मतलब बहुत कम ही था। पहले जो टीचर्स थे फर्स्ट हाफ में, और वो सब टीचर वहाँ पर नहीं थे, पांच या छह टीचर थे, और वहाँ पर बहुत बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब फॉर एग्जाम्पल आईआईसी बैंगलोर से। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने E01 पॉलिनोमियल इन थर्ड ब्रैकेट 01, ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा पूछा, बाद ये इनफाइनाइट डिमेंशनल ये प्रूफ करने दिया।
और उसके बाद ये विद रेस्पेक्ट टू एनी नॉर्म दिस B01 इज इनकम्प्लीट, ये प्रूफ करने को दिया, इतना इजी इजी क्वेश्चन। और तो फिर ग्रुप आपको थ्योरी से लग भी गया एक, कि आपको हाँ इंटरव्यू की सर, तरह लग गया कि मेरा नहीं होने वाला हाँ सर, है इंटरव्यू के बाद ही मुझे पता चल गया था यहाँ पर नहीं होगा। हाँ लेकिन आपने सर अपना हर मैं, क्वेश्चन का आंसर दिया था। हाँ प्लीज बोलो आप। हाँ सर क्वेश्चन का, हाँ सर हर क्वेश्चन का आंसर दिया था। एक दो क्वेश्चन पहले मैंने थोड़ा डर गया था उसके लिए हिंट लेकर, मगर आंसर सब सब दे दिया था। और सेम प्रॉब्लम खड़गपुर में भी सेम प्रॉब्लम था, लास्ट के पहले मेरा इंटरव्यू था, सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे गया, उसके बाद रिटर्न टेस्ट दिया, रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट निकला, रिजल्ट आने के दोपहर के 12:30 1 बजे रिजल्ट आया, मेरा इंटरव्यू 4 बजे स्टार्ट हुआ, 4:30 4 बजे, और लास्ट के ठीक पहले ही आगे इंटरव्यू था, वहाँ पर भी सेम हुआ। तो और यहाँ पर आईसर कोलकाता में कैसा रहा? यहाँ भी सबसे लास्ट में हुआ या टाइम पे हो गया? नहीं ना, यहाँ पर मेरा फर्स्ट, मेरे यहाँ पर भी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, मेरा 27 जून था, 27 मई को इंटरव्यू था, मगर वो 27 तारीख को वो यहाँ पर वो जो स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म हुआ था उसके लिए इंटरव्यू डेट 27 से 29 को हो गया था। इंटरव्यू के एक दिन पहले वो ऑफिस से कॉल आया, उन्होंने बोला कल इंटरव्यू नहीं होगा, एक दिन बाद होगा। और मैंने उनको बोला था, मैंने उनको कॉल पे ही बोल दिया था, अगर 29 को इंटरव्यू है तो मेरा एकदम फर्स्ट हाफ में ही देना पड़ेगा, उन्होंने फर्स्ट हाफ में ही दिया था, एकदम 8 बजे मैं चला गया था, और 9:30 बजे से वहाँ पर चालू हुआ इंटरव्यू, मेरे पहले एक एक स्टूडेंट का हुआ, उसके बाद ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, और यहाँ पर 1 घंटे से ऊपर इंटरव्यू लिया था सर ने, जो गुड टीचर्स थे। हाँ गुड। तो इंटरव्यू के बाद यहाँ लगा कि यहाँ मेरा बेस्ट गया है कंपेरिजन टू ऑल हाँ इंटरव्यूज। सर, हाँ सर, हाँ सर, इंटरव्यू के बाद ही मुझे पता चल गया था यहाँ पर हो जाएगा, कैसे लग रहा कैसे था। हाँ सर, कैसे? इंटरव्यू के बाद में सर, वो जो टीचर थे उन्होंने बहुत, वो जो एक्स्ट्रा बहुत क्वेश्चन किया था उसके लिए, कौन कोर्स पढ़ा, कैसे पढ़ा, वहाँ से मुझे लग गया था यहाँ पर हो जा सकता है। और इंटरव्यू कैसा रहा आईसर कोलकाता का? हाँ सर, इंटरव्यू सर बहुत अच्छा गया, यहाँ पर उन्होंने मेरा सर अल्जेब्रिक टोपोलॉजी इंटरव्यू, मैंने वो जो रिसर्च टॉपिक था अल्जेब्रिक टोपोलॉजी था, और उसके लिए उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट में प्रिपेयर करने को बोला था जनरल टोपोलॉजी, सेवरल वेरिएबल एंड बेसिक एल्जेब्रा, मैं सर थोड़ा सर अपना या एमएससी में, एमएससी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एमएससी के कोर्स में अल्जेब्रिक टोपोलॉजी था, मैंने सर जनरल टोपोलॉजी के साथ अल्जेब्रिक टोपोलॉजी भी जनरल मैंने पढ़ के गया, देख के गया था, और उन्होंने सर ने पूरा इंटरव्यू स्टार्ट ही किया अल्जेब्रिक टोपोलॉजी से, उसके लिए सर वहाँ पर बहुत मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिला मुझे। तो दो मैंने दे वुड गो टू लाइक होमोलॉजी ग्रुप। कहाँ तक गए थे वो लोग? अल्जेब्रिक टोपोलॉजी में कहाँ तक टच किए थे? फंडामेंटल जी ग्रुप सर, कहीं गए होंगे? फंडामेंटल कवरिंग स्पेस, फंडामेंटल ग्रुप वो वहाँ तक वो गए थे, फंडामेंटल ग्रुप गए वो जब फिगर एट स्पेस कवर, फिगर एट थे। स्पेस का कवरिंग, ये सब उन्होंने पूछा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो शायद जो तुम्हारा ले रहे होंगे वो आपका जो एक आज से 3 साल पहले एक यहाँ स्टूडेंट था मुकिल, उसका भी वैसे ही हुआ था। तो वो भी बेसिकली इसी एरिया में काम करना चाहता था जिस एरिया में एल्जेब्रिक टोपोलॉजी में। तो उसका भी शायद पहले आईआईटी कानपुर सब जगह सिलेक्शन हुआ था, बट ही लेफ्ट एंड ज्वाइंट अपना आईसर कोलकाता बिकॉज ही वाज वेरी स्पेसिफिक कि मेरे को इसी प्रोफेसर के अंदर काम करना है। तो वही एल्जेब्रिक हाँ टोपोलॉजी जो आप सर, बता रहे हैं अपने टीचर के अंदर किया था। बहुत बढ़िया। तो अब जब ये सब इंटरव्यूज चला तो कैसा रहा था? सपोर्टिव थे? मतलब कहीं ऐसा भी इंटरव्यू आपने दिया जहां आपको लगा कि हाँ यार यहाँ थोड़ा सा और टीचर सपोर्टिव हो सकते थे तो मैं आंसर दे सकता था, या सभी जगह टीचर बहुत सपोर्टिव थे? कैसा रहा था? टीचर्स और सभी जगह सपोर्टिव थे, IISc में जो एक दो मैं अटक गया था क्वेश्चन में उन्होंने हेल्प किया था, खड़गपुर में भी हेल्प किया था, मगर एक इंस्टीट्यूट IIT मद्रास पर इंटरव्यू पर वो जो सपोर्टिव नहीं थे, इनफैक्ट मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा था और वो उनको, मुझे पता था वो ठीक ही बोल रहा हो, मगर वो उनसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। वो उनका बैड लक है, वो उनका बैड लक है। आईटी मद्रास वालों का बैड लक है कि वो आपके जैसे स्टूडेंट को छोड़ रहे हैं बिकॉज आई नो योर पोटेंशियल क्या है। बट एनीवे जहाँ आप जा रहे हैं बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा मुझे लगता है। घर में सब खुश है ये रिजल्ट देने के बाद?
सर, हाँ सर, मेरा सर घर पर ही मेन प्रॉब्लम था, उसके लिए सर मैंने सर जब एमएससी के बाद जैम दिया था, वो अच्छे इंस्टीट्यूट मिल गए थे मगर वहाँ पर सर नहीं गया कहाँ से हैं आप? थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए, फैमिली बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से था। एडुकेशन हुआ है इसके बारे में बताइए। हाँ कोलकाता से हूँ और मेरा वेस्ट बंगाल बोर्ड से 12 तक हुआ, उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर श्रीरामपुर कॉलेज से बीएससी हुआ और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से भी एमएससी हुआ उसके बाद सर। गुड। और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा पढ़ाई का? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हाँ सर, यहाँ का एक्सपीरियंस तो सर बहुत ही अच्छा रहा सर। वो सर आप बहुत सपोर्टिव थे, मैंने बहुत लापरवाही भी किया उसके लिए सर, बहुत 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 डांट भी पड़ा मगर सब ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इंटेक्स सर ने बहुत, आपने बहुत सपोर्ट भी किया डांटने के बाद भी। चलो ठीक है। हाँ बट तुम अच्छा से मेहनत किया, और मैं बता दूं स्टूडेंट्स को, इनका एनबीएचएम भी है, जेआरएफ भी है, गेट भी है, बट स्टिल ऐसे लोगों का जब अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में लोग नहीं लेते हैं तो बुरा लगता है बीइंग अ टीचर, क्योंकि वी नो कि क्या पोटेंशियल है इसके अंदर। बट एनीवे, हाँ जी अटनलाल, अब कैसा आपको क्या पूछा जाए? कैसा लग रहा है, कि दुख हो रहा है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, सो बताइए आप। हाँ सर, मतलब अच्छा तो खुश तो लग रहा है क्योंकि सिलेक्शन करने के बाद हर लोग को खुश लगता है, तो मेरा भी खुश लग रहा है सर। बहुत बढ़िया। तो आप घर वालों को बताया कि घर के आसपास मुझे मिल गया है? नहीं सर, यह अभी नहीं बताया क्योंकि आज सुबह ही आया है रिजल्ट, तो अच्छा, अभी नहीं बताया। आज ही सुबह आया रिजल्ट एकदम? हाँ मैंने मतलब वो 18 जून को रिजल्ट डिक्लेयर करने की और तो डेट दी थी, मैंने रैंडम लिया सुबह देखा कि देखते रिजल्ट डिक्लेयर हुआ या नहीं, तो मैं सुबह ही देखा, मतलब सुबह 6:30 AM में ही देखा, तभी रिजल्ट मतलब वो दे दिया, तो मैंने सुबह को भी तभी बताया। सही किया शुभजीत को, तुमने शुभजीत को बताया, शुभजीत ने हमें बताया, और बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हम बहुत टेंशन में भी थे, क्योंकि आप लोग तीन लोग थे, आप, प्राण और ये आपका हो गया, प्राण का भी हो गया, यही एक लटका हुआ था, और मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि भाई इसका सब जगह इसका रिजेक्शन हो रहा है, दो तीन जगह ही छोड़ दिया, आईटी कानपुर वगैरह, इसको बोले कि जाओ अच्छा यार। हाँ मतलब ऐसा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है जो वहां पर नहीं गया प्रणादित, तो मतलब हर एक जगह गया है, मतलब बहुत बहुत जगह गया जगह गया, फुल चार्ज गया, अपने भी हाँ सर, मतलब परेशान हो रहा है। पूरा बहुत उसके पूरा 1 महीने, मतलब मई का महीने में तो पूरा बाहर ही रहा। लिए, उसके लिए तो लगता था, क्या बोले, उसके पेरेंट्स के लिए बुरा लगता था कि हम उसको सर्टिफिकेट तो यार हाँ के सर, ठीक है। हाँ सर वो जो आप पौर्णादित्य ने, मैं पौर्णादित्य से बीएससी से ही पढ़ा हूँ, बीएससी एमएससी उसके बाद यहाँ तक, वो जो बीएससी में वो जो ट्यूशन पर पढ़ने जाते थे वहाँ पर भी उनका फादर जाता था। तो बेचारा बहुत सीधा है, हाँ जी ने बहुत सीधा है, बोले यार मतलब तुमको क्या डर लगता है, तुमको कोई किडनैप कर लेगा क्या, मतलब क्या डर लगता है? बोले सर मुझे नहीं लगता, मेरे पेरेंट्स को लगता है। गजब हुए हर जगह, अभी और भी एक दो जगह उसका बचा है कि जाने के लिए, तुमको लगता है कि वहां भी जाएगा तू? बोले सर मैं तो जाऊंगा, पेरेंट्स भी जाएंगे। तो बोले अच्छा अब तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएगा पीएचडी करने के लिए, तो वहां भी पेरेंट्स को ले जाएगा? बोले नहीं, तो वहां तो नहीं रह सकते, अगर वहां रहने का ऑप्शन होता ना तो ये उनको भी ले जाता, मतलब वो लोग भी चले जाते। गजब है। और ये मैंने देखा अक्सर, यही नहीं प्राण के साथ नहीं, मतलब हम लोग भी जब पढ़ते थे, हम लोग भी इंटरव्यू देने जाते थे, तो जनरली मैं देखता था हम लोग तो ऐसे अकेले चले जाते थे, आप लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आते थे पूरा माता जी, पिताजी, उसकी छोटी बहन, उसकी बड़ी बहन, सब फुल फैमिली के साथ आते थे एक आदमी को इंटरव्यू दिलाने के लिए। तो मतलब ये कल्चर बहुत ज्यादा सॉलिड है क्या उधर आप लोग के साइड में, है जटन सुभजीत? अच्छा मतलब यहाँ पर तो मतलब बेसिकली पीएचडी मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, तो कुछ कुछ लोगों के साथ उसका मतलब फैमिली जाता है। डर रहता है क्योंकि बेटा कहीं खो ना जाए, है ना? और सुबह आपके साथ सुभजीत, आप अकेले गए थे या कैसा था आपका? सर मैं तो अकेला ही जाना चाहता तो, मगर बैंगलोर पर मेरा फादर गए थे और उसके बाद अच्छा बाकी जो अकेले ही गया हूँ, बाकी सब अकेला ही गया चलिए, हूँ। बहुत बढ़िया, हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो ऐसा होता था तो
उन लोग को देखते थे तो हम लोग को भी बड़ा बुरा लगता था कि यार सबसे नालायक अपने माँ बाप के हम ही लोग हैं क्या, हम लोग के साथ कोई नहीं आता है। मतलब देखते ना कि मेरे दोस्त के माता पिताजी लोग आए हैं और हम लोग जा रहे थे अकेले, झोला उठाए चल दिए। अब बुरा लगता भी था कि यार सबके माँ बाप पेरेंट्स आ रहे हैं सब एक दूसरे के साथ, हम ही लोग जा रहे हैं अकेले, मतलब थोड़ा सा, बट ठीक है। मतलब हाँ क्या बोलते हैं, अटेंड कर पेरेंट्स सकते जब जाते हैं। हैं, हमारे को पेरेंट्स अट लो अट गए और हाँ बोलो अगर बोलो बोलो सिलेक्शन नहीं हुआ, पेरेंट्स गया और सिलेक्ट उस इंस्टीट्यूट पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बुरा लगता है। आईएससी में जब आईएससी पर जब नहीं हुआ तब सर बहुत बुरा लगा था। वहां पर पेरेंट्स गए थे, जो अकेला गया था वहां पर ठीक है, नहीं है। आपका अड्डू क्या बोल रहे थे आप? हाँ सर, मतलब हमारे कॉलेज से 4 स्टूडेंट हैं हम लोग, तो मतलब वो पढ़ना है तो हम और सुभजीत और एक मेरा दोस्त है, मतलब उसके साथ मैं और वो एक साथ गया था, तो उसका वो भी बहुत सर जा गया, उसका अभी कुछ जाकर रिजल्ट नहीं आया, तो हम लोग तीन का होएगा, अगर उसका भी हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग मतलब हमारे कॉलेज से हम 4 लोग ही मतलब इस बार पीएचडी के इंटरव्यू में बैठे, अरे वाह, हो जाएगा, टेंशन नहीं है मतलब उसके उसके साथ ही बारे में। हम गए थे, बहुत एक साथ बहुत सारे जगह गए थे, तो उसका लिए भी थोड़ा बुरा एकदम लगता है, एकदम प्लस एकदम अगर मेरे हो जाए साइड तो से, बहुत। एकदम 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 मेरे साइड से पूरा रहेगा कि हो जाए बेचारे का, ठीक है, टेंशन नहीं। इस इंटरव्यू के बाद बातचीत कर लेंगे उसके बारे में, है ना। एनीवे तो कैसे सुभजीत, तो थोड़ा सा ये बता दो कि कैसे तुम्हारा पढ़ाई से मैथ्स के प्रति, पीएचडी के प्रति आया ध्यान? और भी आप जा सकते थे, डाइवर्स एरिया में भी जा सकते थे, बट मैथ्स में ही जाना ऐसा क्यों? मेरा मैथ्स तो सर बचपन से अच्छा ही था, मगर 12th के बाद मेरा सर एक प्रॉब्लम हुआ था, मगर मैं जो वो जो बीएससी का फॉर्म फिलअप होता है ना, उसके वहाँ पर मैं सब फॉर्म फिलअप करता था, यहाँ पर पीएचडी में जैसा सब फॉर्म फिलअप करता हूँ वहाँ पर भी सब फॉर्म फिलअप करता था। वहाँ पर मेरा जो पास के कॉलेज है, मतलब वो एक ही कॉलेज की हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर अच्छे कॉलेज थे, वहाँ पर मैंने सर केमिस्ट्री का फॉर्म फिलअप किया था, मैंने सर केमिस्ट्री में ही जाना जाता हूँ, मगर वहाँ पर फॉर्म फिलअप में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए मेरा सर वो जो शॉर्ट लिस्ट में मैथमेटिक्स पर नाम आ गया था। उसके बाद सर उन्होंने मैंने सर ऑफिस से बात किया, उन्होंने बोला आप एडमिशन ले लो मैथमेटिक्स में, एक महीने के बाद जो कुछ अगर केमिस्ट्री से कुछ सीट्स खाली होता है तो हम वहाँ पर करवा देंगे। अगर मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट अच्छा था और एक महीने पढ़ने के बाद अच्छा ही लगा, उसके लिए मैंने सारा चेंज नहीं किया और यहाँ पर ही बताइए, रहेगा। बाय डिफॉल्ट ही आ गया है, मतलब जाना चाह रहा था कहीं और बट दूसरी ट्रेन में बैठ के। यार ये तो उस टीचर का धन्यवाद है जो मिस्टेक किया होगा। सर टीचर का, और जो हमारे जो श्रीरामपुर कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ पर 3-4 टीचर्स थे, और जो फर्स्ट में जो कोर्स स्टार्ट किए थे बीएससी में वो बहुत अच्छे पढ़ाए थे, वहाँ से इंटरेस्ट आ गया था और मैं चेंज नहीं किया। और बहुत बढ़िया, उसके बाद सर बीएससी का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद ही पता चल गया, मैंने ठीक कर लिया था पीएचडी करना है, उसके एक बाद सर चीज। और कंफ्यूज। हाँ एक चीज तुम बताओ, तुम दोनों लोग बताओ अपनों एक एक करके कि ये ऐसा बंगाल में जो कल्चर है पढ़ाई को लेके या हायर एजुकेशन को लेके, तो ऐसा क्या है? मतलब वहाँ एक मैं देखता हूँ जो अच्छे बैकग्राउंड से हैं, जिनके घर में अच्छे लोग पढ़ लिख रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो तो ठीक है, समझ में भी आता है। एक नॉर्मल बच्चा भी जो बहुत अच्छा, जिसके माता पिताजी नहीं है, लेकिन वो भी बच्चा अच्छा करना चाहता है मैथ्स में, मतलब हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, बनिस्बत वो और सब तैयारी करे या रिसर्च एरिया में जाए, ऐसा क्या है वहाँ की पढ़ाई में? शुभजीत वन बाय वन आप बताइए। हाँ सर, यहाँ का हमारे यहाँ जो जो कॉलेजेस है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी, जादवपुर है, अगर वो जो मैं जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर श्रीरामपुर कॉलेज में एडमिशन लिया था, वो पर एडमिशन लेते ही वो जो कॉलेज का ही पूरा ये है, ये मतलब बेनिफिटो, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, सो बैकग्राउंड जो भी हो अगर स्टूडेंट चाहता है तो वो हायर स्टडी कर सकता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बढ़िया कॉलेजेस सर, है अंडर ग्रेजुएट के कॉलेज अंडर ग्रेजुएशन से वो आगे अच्छे IIT JAM TFR ISI उसके बारे में वहां से उस टाइप का एक माहौल उसको मिल जाता है, उस टाइप के लोग वहां में। दिखना हाँ स्टार्ट हो जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में ही कॉलेज में आते ही वो जैम के बारे में, पीएचडी के बारे में बात करता है, सो स्टूडेंट मोटिवेट हो जाता है, अगर अगर किसी स्टूडेंट हायर स्टडी करना चाहता है तो उनका कोई कुछ कम नहीं रहता वहाँ पर।
चाहे तो कर सकता है। आठ नौ, तुम्हें क्या लगता है? हाँ सर, मतलब वो एक खुद का जो सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट है, और सर वो जो जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे उस कॉलेज में उसका आगे मतलब जो अगले बैच में जो सीनियर लोग रहे थे वो लोग भी गए थे, उसका भी एक मोटिवेशन रहता है। और सर मतलब टीचर लोग जो मोटिवेट करता है कि अगर आपके इंटरेस्ट है तो आप इस जगह पे जा सकते हो, क्योंकि इस जगह पे आपको बहुत सारे मतलब चीज नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब अभी अभी कौन कौन से फील्ड में काम हो रहा है तो आपको बहुत कुछ मतलब नया नया चीज सीखने को मिलेगा। तो उसमें मतलब टीचर लोग ही मोटिवेट करता है, तो मुझे लगता है कि वो टीचर लोग का ये बहुत ही बड़ा हाँ मतलब योगदान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मेरे ख्याल से लगता है आप दोनों लोग बहुत अच्छे जगह जा रहे हैं, तो दोनों को ही मन चाहा जगह मिल चुका है, मन चाहा जगह जो चाहते थे आप लोग वैसा जगह मिला है दोनों को ही, तो बस उसमें आप लोग आगे बढ़े। अटनू से भी बहुत बार पूछ चुके, बट एक बार और पूछ लेते हैं, तुम्हारा मैथ के प्रति इंटरेस्ट कैसा रहा अटनू, और रही सर कोलकाता का कैसा इंटरव्यू रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। हाँ सर, मेरा इंटरव्यू तो एकदम मतलब वो लास्ट मतलब दो लोग बचे थे, मेरा हुआ था और उसके बाद मेरा एक दोस्त का हुआ था और इंटरव्यू खत्म हो गया। मतलब एकदम इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ तो शाम को 4:30 बजे, तो तब तो 5 15 या 15 मिनट्स इंटरव्यू चला था। तो लोग पहले आइजर कोलकाता में है कि पहले ही आपको तो मतलब किस टॉपिक में इंटरव्यू देना है वो चूज करना पड़ता है। तो मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चूज किया था, मतलब सेवरल कॉम्प्लेक्स करी थी। तो वहाँ पर जो प्रोफेसर थे उन्होंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पहले क्वेश्चन पूछा था, और उसके बाद सेवरल वेरिएबल से भी कुछ क्वेश्चन पूछा था। और सर उसके बाद वो और जो दो तीन लोग प्रोफेसर थे वो लोग भी कुछ लिनियर एल्जेब्रा या फिर बेसिक रियल एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछा था। मतलब ओवरऑल दे आर मतलब वेरी सपोर्टिव, मतलब तो तो सर जो लोग मान एक्सपीरियंस लो तो थोड़ा बहुत बहुत ही अटक जाते हैं, कभी कुछ ऐसा होता होगा शुभजीत, कभी कभी कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, सोच रहे हो, थोड़ा ज्यादा समय लग गया, 2-4 मिनट लग गया, क्योंकि तो पीछे से हिंट मिलता था आइसर में, यहाँ बेटा ऐसे जाओ ऐसे जाओ। हाँ सर, मेरा आइजर तो कोलकाता में पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ सर वो लोग बहुत ही मतलब टाइम दे रहे हैं, ये नहीं कि आपको अगर तुरंत कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो वो लोग स्किप कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। वो लोग भी बहुत ही टाइम दिया और बहुत ही हिंट दिया, और वो लोग पूछ रहा कि आप मतलब क्या सोच रहे हो, मतलब अगर आप सही सोच रहे हो तो वो लोग मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है आप सोचो, और अगर आप कुछ गलत सोच रहे हो तो वो लोग कुछ हिंट दे रहा है मतलब सही डायरेक्शन में, तो बहुत ही सपोर्टिव थे। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ शुभजीत, आप कुछ बोल रहे थे, कैसा हाँ इंटरव्यू के सर, दौरान सपोर्टिव थे? हाँ सर, वो जो टीचर्स थे बहुत सपोर्टिव थे, उनका कुछ वो जो टाइम का इशू ही नहीं था। मैं 2 3 मिनट 4 मिनट खड़ा रहा, उसके बाद भी अगर कुछ बोल रहा हो, अगर मेरा डायरेक्शन अच्छे से सही है, उन्होंने सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने इंटरव्यू के बाद ही, इंटरव्यू के चलने के उस टाइम में ही बोल रहा था कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास, तो टाइम का वहाँ पर बहुत कुछ इशू नहीं है। टाइम है, तुम सोचो। बहुत बढ़िया, मगर ऐसा कारण वो जो मेरा मेरा एक उन्होंने उस दिन मेरा जो पैनल में था सिर्फ 5 लोगों का इंटरव्यू था। मेरे मेरे पहले एक एक लोग का था, एक स्टूडेंट का था, उसके बाद मेरा मेरे मेरे बाद मेरे बाद टोटल 3 स्टूडेंट थे। तो कुछ टाइम का इशू नहीं था, वही सर सर ने वही सब बोल रहा था, इसलिए बहुत 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 ही सपोर्टिव थे वहाँ के टीचर्स। बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज मुझे ये बताओ, तुम लोग फाइनली तुम लोग पढ़ तो लिए, कैसा रहा अटनू तुम्हारा यहाँ एक्सपीरियंस, फाइनल एक्सपीरियंस? हाँ सर, बहुत ही वंडरफुल जर्नी रहा, मतलब मैं तो बहुत दिनों से आपके पास में पढ़ा था, तो सर बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब यही बोलूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब पहले जो जो पढ़ा और बाद में अभी जो फील किया है तो बहुत सारे चेंजेस आए, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत न्यू अप्रोच के बारे में पता चला, और सर कॉन्फिडेंट आया, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ है कि जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ मतलब करता हूँ, मतलब पहले भी करता था उतना कॉन्फिडेंट में नहीं था, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम में अब प्रॉब्लम नहीं भी मानता तो एक कॉन्फिडेंट के साथ करता हूँ कि थोड़ा टाइम अगर दे दूँ तो शायद हो जाएगा, क्योंकि इतने दिन आपके पास क्लास किया तो आपको देखा है कि जो जो मतलब जो जो मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो सब कौन सा हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन किस डिरेक्शन में अब हमको यूज करना है वही मतलब पहले नहीं होता था।
लेकिन अब थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं मैं भी मतलब अगर कुछ टाइम दो तो हो जाएगा, तो वही कॉन्फिडेंट बहुत ही मतलब बड़ा है। शेर आया है ना एक गाना डायलॉग आ गया। इसी के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, पूरा भारत भ्रमण किया लड़का हाँ सर, अपने तो गया ही, पेरेंट्स को डिस्टर्ब किया है लड़का, कहाँ कहाँ गया, प्राण कहाँ से स्टार्ट किया था बताओ पहले बॉम्बे गया था, बॉम्बे से रिटर्न करके ISI एग्जाम दिया, फिर सर IISc बैंगलोर, देन भोपाल, देन कानपुर, देन गुवाहाटी, देन मोहाली, देन फिर से घर फिर नाइसर, नाइसर, नाइसर छोड़ दिया फिर नाइसर। चारों हाँ सर नाइसर। धाम चला गया, कहीं नहीं छोड़ा है, साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह, बहुत बढ़िया। अब पेरेंट्स को बोला कि अब कुछ नहीं होगा, हम अकेले चले जाएंगे। हाँ सर मतलब ISI तो अकेले ही जा रहा हूँ सर, हम एक साथ जाएंगे आगे। हाँ अतनो मैं एक साथ जा रहा। इसीलिए छोड़ दिए, नहीं तो बाप रे इस बार लेखता ना तुम पिटाई खाता मेरे से एकदम। बट एनीवे बहुत खुश है, तीनों लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, तीनों लोग हम बहुत खुश है। क्या अडनो क्या बोलना चाहते हो प्राण के बारे में? मैनलीस कैसर मोहाली हुआ विथ लॉट ऑफ रिजेक्शन, बहुत जगह का रिजेक्ट हुआ था जो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मतलब टैलेंट है पता नहीं क्यों हो जा रहा था। क्या क्या बोलना चाहोगे अडनो अपने दोस्त के बारे में? हाँ तो मतलब सर पौर्णादित्य को तो मैं 2 साल से जानता हूँ, मेरा बैचमेट तो मैं बैचमेट टॉपर था, तो मतलब पढ़ाई में तो कोई डाउट नहीं, अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ कारण रहता है कि मतलब आपके पास सब कुछ रहने के बावजूद भी आपको कई कई जगह पर रिजेक्शन मिलता है, तो मुझे बुरा लगा था कि क्यों नहीं हो रहा है सर, तो फाइनली जब हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा कि वो भी एक जगह में हो गया उसका, तो मतलब पोटेंशियल ही तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसमें उसके साथ मैंने 2 साल क्लास किया है, तो सर प्राण तुम्हारे दोस्त सुभजीत का भी हो गया आईएसएल कोलकाता में, कैसा कैसा सर बहुत अच्छा तुम्हें? लग रहा है, उसका बहुत दिनों का ड्रीम था इधर कोलकाता, और वो हो गया। बहुत बढ़िया। और सुभजीत तुम्हारे दोस्त प्राण अटमू सबका हो गया, इन दोनों के बारे में क्या लग रहा है तुम्हें? हाँ सर पौर्णादित्य को तो मैं 5 साल से पता है, मतलब BSc में एक साथ ही पढ़ते थे, और अच्छा वहाँ पर हाँ सर हम सर एक साथ जो उसके बाद अच्छा यही MSc आप बता पढ़ रहे थे BSc का जो आप लोग क्लास करने जाते थे वहाँ ही किसके साथ आते थे पुरान? ना क्लास में नहीं, वो जो ट्यूशन जाते थे वहाँ पर उनका फादर जाता था, किसी दिन हर एक ट्यूशन के दिनों उबेर ओला या उबेर से जाता था पढ़ने के लिए टीचर के पास। अरे प्राण भरोसा नहीं था कि ना तुम्हें पेरेंट्स को सोसाइटी पर के भैया तुम ठीक रहेगा, चलो कोई बात जिस दिन नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाने देते। सही है, अच्छा लड़का ये हाँ सर, बहुत अच्छा। हाँ बोल बोलो सुभाजी, तुम कुछ बता रहे थे, हाँ सर वही बात, पोटेंशियल तो ज्यादा मत पढ़ना बोल देते देना, ज्यादा मत बोलना, अच्छी पब्लिक वीडियो है, तुम लोग से अकेले में बात करेंगे, पता चला नहीं इसको सर जा तुम लोग पूरा का पूरा सोसाइटी से कर दिया, फिर पता चला इसके पेरेंट्स जा ही नहीं रहे मतलब इसके साथ। तो मतलब ISI बैंगलोर में जब मीटअप हुए तो मैं बोला कि एयरपोर्ट से मेट्रो कर लूंगा, वो बोले नहीं नहीं मेट्रो में नहीं जाऊंगा। प्राण अपना मस्त लड़का है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हुआ इसके लिए। और हाँ अटनू के बारे में क्या बोलना चाह रहे थे सुभजीत? वो तो सर वो हमारा जो MSc में एडमिशन लिया था, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, तब ऑनलाइन चलता था उस वहाँ पर, वो जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के समय एक नेट हुआ था वहाँ, उस पर ही अतनु का सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद क्लास में तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता था 2000 एनालिसिस के 2022 का फरवरी, 2022 का फरवरी उसी समय ना, 2020 पर उस समय हाँ जुड़ा था यहाँ, दिसंबर में सर जुड़ा था राइट वहाँ अटनू, तो तुम कब जुड़ा था? 2 दिसंबर राइट, 2 दिसंंबर 2021। हाँ, बोलो। और मेरा और अतनु का जो स्पेशल पेपर था MSc पर, वो सब सब स्पेशल पेपर सेम सेम ही था। हाँ सर मतलब हमारा जो मैडम है मतलब गाइड है, मतलब MSc में वो भी ISC बैंगलोर में किया था, वो भी एक मोटिवेशन है, मैडम वहाँ पर किया है। वो क्या क्या नाम है उनका, नाम भूल गए, क्या नाम बताया? सुपर्णा हाँ मैम का नाम है सुपूर्णा सेन, ने। सुपर्णा मैम तो ने। मुझे तो मैम बहुत सपोर्ट किया। और मेरा मतलब हमारे कॉलेज में जो जो प्रोफेसर है मतलब यूनिवर्सिटी में बुद्धि यार मतलब बहुत ही सपोर्टिव है, मतलब हर चीज में वो लोग मतलब हम लोग को पूछता है कि क्या करना है, तो मतलब एक गाइडेंस की तरह हम लोगों को सपोर्ट करता है।
गुड गुड गुड। और प्राण, मतलब दोनों दोस्त के बारे में कैसा, सब बढ़िया? ख्याल अटनू के बारे में, अभी अटनू सामने है, कुछ बोलोगे तुम इसके बारे में, कैसा रहा इसका सिलेक्शन देख के? हाँ सर, मतलब नो तो शुरू से ही ब्रिलियंट है, हर एक प्रॉब्लम चुटकियों में कर देता है, ज्यादा टाइम नहीं क्या लगता कुछ ज्यादा ऑर्डर में। मक्खन लगा रहा है? और कुछ शुभजीत, ज्यादा थोड़ा। हाँ हाँ बोलो 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 प्राण। हाँ और सर शुभजीत का तो मतलब क्लास परफॉर्मेंस अच्छा है, उसने नेट गेट एनबीएचएम सब कुछ क्लियर करा है अच्छे रैंक के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा है। बट मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हारा जेआरएफ भी नहीं हुआ था, लेकिन तुमने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया गेट में, उतना अच्छा रैंक भी बहुत अच्छा नहीं था, बट दो रैंक ला के तुमने परफॉर्मेंस दिया है, हैट्स ऑफ। और सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये इतना रिजेक्शन के बाद भी इसका कॉन्फिडेंस हिला नहीं, हिला नहीं, एकदम मेंटेन रखा कि नहीं हो जाएगा सर, हो जाएगा। बैकग्राउंड कहता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट है, देखो तो जब पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है ना पीछे से, फिर आदमी सब लगता है कि जीत जाएंगे, दुनिया जीत जाएंगे। तो एनीवे हाँ सर, चलो मतलब फट। एक बात है कि हाँ, हाँ और बोलो। नहीं तो बहुत ही डिटरमाइंड है, मतलब वो अगर कुछ चीज मतलब ठीक कर दिया कि मैं करूंगा, तो हाँ कोई भी करूंगा अगर करूंगा मतलब करूंगा बोला कि कोई कुछ भी बोला तो नहीं मतलब कुछ हटेगा। नहीं। वो देखा मैंने, प्रॉब्लम भी इसका देखा, हाँ कुछ कुछ भी प्रॉब्लम्स मैं देता था, एक बार हो गया कि सर कर दूंगा, करके ही भेजता था, ये चीज है इस लड़के में, इसीलिए तो सिलेक्शन हुआ है, दैट्स व्हाई ही गॉट आईएसआर मोहाली। अच्छे अच्छे लोगों का वहाँ नहीं हुआ है अभी, बहुत बढ़िया। चलो तुम लोग एकदम फाइनल वर्ड में बताओ कैसा रहा, मतलब सब कोई सजेशन दो बच्चों के बारे में, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन लोग के बारे में कुछ सजेस्ट करो, उन लोग को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ शुभजीत बताओ। हाँ सर, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए, और सिलेक्शन पहले ही सिलेक्शन के बारे में सोचना नहीं चाहिए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा किसी ना किसी जगह पर, इतना सारा इंस्टीट्यूट है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए, और उसके बाद एंट्रेंस को भी क्लियर करना चाहिए, और इंटरव्यू में तो लक भी फैक्टर करता है, और बहुत बहुत सारे फैक्ट्स है वहाँ पर, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा भी है तो भी किसी किसी जगह पर नहीं होता, और किसी वैसे किसी जगह लक, पर। वैसे लक लक इन द सेंस। हाँ सर, वो जो सर मेरा ही हुआ था, वो जो लास्ट में इंटरव्यू हुआ था आई सी बैंगलोर। ऐसा, आईआईएससी बैंगलोर खड़गपुर में ऐसा हो भी सकता है, पर वो बहुत ज़्यादा रेयर है, फैक्ट नहीं करता, मगर थोड़ा तो मैटर करता है। करता है। गुड गुड, बहुत बढ़िया। हाँ और कुछ बोलना चाह रहे थे शुभजीत? सर हर एक इंस्टीट्यूट में तो ऐसा नहीं होगा, आप अगर 5-6 इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू अटेंड करोगे तो 2 या 1-2 ऐसा होगा, बाकी इंस्टीट्यूट में तो अच्छा ही जाएगा। हाँ सर, गुड। अटनू तुम्हारा कोई सजेशन स्टूडेंट्स लोग को? हाँ सर, मतलब जो अभी प्रिपरेशन ले रहा है तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अल्टीमेटली मैटर करेगा, तो मतलब अभी तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, और सिलेक्शन के बारे में अभी कुछ नहीं सोचना है, तो पहले कॉन्सेप्ट अगर ठीक सक मतलब आपको एक कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है कि हम सोच सकते हैं, अगर एक कॉन्फिडेंट आपने अब आ जाता है तो सर उस कॉन्फिडेंट को ही आपको एग्जाम, जब कुछ एग्जाम दे रहा है तो उसके पहले थोड़ा मतलब प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अगर मतलब ऐसे ही अगर हम करते रहे तो एग्जाम हो जाएगा, और सर उसके बाद जब इंटरव्यू में आएगा तो इंटरव्यू के पहले तो हर लोग मतलब हर एक लोगों का एक डर लगता है कि इंटरव्यू कैसे फेस करूंगा, तो मतलब मुझे भी लगा, तो आपको फेस करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट तो 4-5 जगह आपको इंटरव्यू देना चाहिए, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो एक्सपीरियंस में आपको अल्टीमेटली काम आएगा, तो सर मुझे यही सजेशन है कि आप पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद जो प्रोसेस है तो उसमें जाइए। प्राण तुम्हारा, तुम भी बताओ फाइनल फाइनल वर्ड स्टूडेंट्स लोग के लिए। हाँ सर, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से जानना चाहिए, और जब इंटरव्यू की बात आए तो अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए, और अगर खराब भी हो जाए तो वो उसको भूल जाके नेक्स्ट जो इंटरव्यू है उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करना चाहिए, और अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आपसे लेना चाहिए। अरे और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण मान हो, मान देख लीजिए बहुत जगह हुआ और अच्छा जगह हुआ, शुभजीत भी है, लॉट ऑफ रिजेक्शन एंड ही गॉट सिलेक्शन, सो फाइनल एवरीवन वाज हैप्पी हियर, सब कोई खुश थे, प्राण अटन शुभजीत सब खुश, हाँ टनटन सर, मजेदार, ठीक हाँ सर, है। चलो हाँ सर, अभी तो प्राण अटनू से फिर मिलना है मुझे, बट चलो ठीक है शुभजीत, चलो टेक केयर, सबको मजे से रहो, मैथ अच्छा से करो, और तुम लोग उज्ज्वल भविष्य के लिए
सारी शुभकामनाएं, टेक केयर, बाय बस। सभी को स्टूडेंट्स, चलो बाय।